दिवाली के दिन हर कोई अपने घर के अंदर और बाहर ढेर सारे दिए जलाता है, इसलिए इस त्योहार को दीपोत्सव भी कहा जाता है। आइए ऐसे में जानते हैं दिवाली की रात कितने दीपक जलाने चाहिए। नमस्कार दोस्तों, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। दीपों की रोशनी से जगमगाता त्योहार दीपावली इस साल 12 नवंबर को मनाया जा रहा है। पंचांग के मुताबिक हर साल दिवाली का त्योहार अमावस्या की रात को मनाया जाता है। इस दिन दीप जलाने का खास महत्व होता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दिवाली की रात में कितने दीपक जलाने चाहिए, साथ ही इस दिन कितने बड़े दीपक जलाए जाते हैं। जानिए दिवाली पर दीपक जलाने के क्या नियम हैं। दिवाली पर माता लक्ष्मी की पूजा के बाद दीपक जलाए जाते हैं। दिवाली पर कुल कितने दीपक जलाने चाहिए इसकी कोई सीमा नहीं है। आप अपनी श्रद्धा अनुसार कितने भी दीपक जला सकते हैं, लेकिन बस इस बात का ध्यान रखना है कि दीपक की संख्या विषम होनी चाहिए। शास्त्रों में कम से कम 5 दीपक जलाना अनिवार्य बताया गया है। आप 5, 7, 9, 11, 13 या 21 इसी संख्या में कितने भी दीपक जला सकते हैं। इसके अलावा दिवाली के दिन मुख्य रूप से 5 दीपक जलाना दीपावली अनिवार्य होता है। इनमें से एक दिया घर के मंदिर में, दूसरा रसोई में, तीसरा पीने के पानी के पास, चौथा पीपल के पेड़ के नीचे और पांचवा दिया घर के बाहर मुख्य प्रवेश द्वार पर जलाया जाता है। घर के प्रवेश द्वार पर जलाए जाने वाले दीपक को यम दीपक भी कहा जाता है। इस दीपक को सरसों के तेल से जलाना चाहिए। इसके अलावा हर कमरे के गेट के कोनों पर भी दीपक जलाकर रखना चाहिए। इसी के साथ घर के बाहर जितना हो सके उतने दीपक जलाने चाहिए। साथ ही एक बड़ा घी वाला दीपक पूरी रात जलाकर घर के मंदिर में रखना चाहिए। दीपक पर आप अपने श्रद्धा अनुसार घी या सरसों के तेल के कितने भी दीपक जला सकते हैं, लेकिन कम से कम एक बड़ा घी का दीपक और एक बड़ा सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। दिए जलाने को अच्छाई और पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। साथ ही दिए जलाने से अंधकार दूर होता है। चूंकि दीपावली पर्व अमावस्या की अंधेरी रात को मनाया जाता है, इसलिए इस दिन के अंधकार को समाप्त करने के लिए दिए जलाए जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन 14 सालों बाद भगवान राम अपनी नगरी अयोध्या वापस लौटे थे। उनके आने की खुशी में ही अयोध्या के लोगों ने दीपक जलाकर उत्सव मनाया था। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।